पोमेग्रेनेट यानी अनार एक बहुत ही पॉपुलर फ्रूट प्लांट है और बहुत सारे गार्डनर अपने गार्डन पे इस पौधे को ग्रो करना चाहते हैं। लेकिन अनार के पौधे को हम गार्डन में ग्रो तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने सामने आते हैं, जैसे कि अनार के पौधे में फ्लावर्स नहीं आते, या फिर फ्लावर्स आने के बाद वो झड़ जाते हैं, या फिर फ्रूट्स लगने के बाद भी वो फट जाते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे अनार के पौधे को आप घर पर किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं इसके बारे में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा अनार का पौधा आपको नर्सरी से खरीदना चाहिए और कौन सा पौधा आपको नर्सरी से नहीं खरीदना चाहिए। अनार के पौधे दो तरीके के होते हैं। पहला तरीका ऐसा होता है कि उस पौधे में बस मेल फ्लावर्स ही आते हैं और मेल फ्लावर से कभी भी फ्रूट नहीं बनता, इसीलिए इस तरीके का पौधा आपको कभी भी नर्सरी से नहीं खरीदना चाहिए। और दूसरे तरीके के पौधे ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों ही आते हैं और इस तरीके के पौधे में हमेशा फ्रूट्स बनते हैं। अब सवाल ये आता है, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पौधा किस टाइप का है? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप ऐसा पौधा खरीदिए जिसमें पहले से ही फ्रूट लगा हुआ है। इससे आपको सबसे आसानी से पता चल जाएगा कि पौधा कौन से टाइप का है। पौधा तो हमने सिलेक्ट कर लिया, आप बात करते हैं किस पॉट में हमें अपने पौधे को ग्रो करना चाहिए इसके बारे में। सबसे पहले अगर आपका पौधा कुछ इस तरीके का ग्रो बैग या फिर छोटे पॉट में लगा हुआ है, तो उसे नर्सरी से लाने के बाद सबसे पहले आप एक 10 से 12 इंच के पॉट में इसे रिपोर्टिंग कीजिए। मैंने यहाँ पर एक 12 इंच का पॉट लिया है। पॉट के नीचे जो ड्रेनेज होल है उसके ऊपर मैं एक टूटे पॉट का टुकड़ा रख दूंगा। उसके ऊपर मैं सैंड का एक लेयर दे दूंगा। इससे एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम तैयार हो जाएगा और पानी जमने की वजह से कभी भी अपने पौधे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और इस पॉट में मैं अपने पौधे को रिपोटिंग कर दूंगा। अब बात करते हैं पॉटिंग मिक्स यानी किस सॉयल में आपके पौधे को ग्रो करना है इसके बारे में। अनार के पौधे को रेतीली मिट्टी यानी सैंडी सॉयल बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, तो इसके लिए पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आप एक हिस्सा गार्डन सॉयल, उसके साथ एक हिस्सा सैंड, एक हिस्सा कंपोस्ट और आधा हिस्सा कोकोपीट अच्छी तरीके से मिला लीजिए और इस पॉटिंग मिक्स में आपके पौधे को ग्रो कीजिए। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब मैं अपने पौधे को इस ग्रो बैग से निकाल लेता हूँ और इस पॉट में रिपोर्टिंग कर देता हूँ। रिपोर्टिंग करने के टाइम पे आप हमेशा पौधे को पॉट के बिल्कुल बीच में रखिए और रूट बॉल को थोड़ा सा तोड़ दीजिए। इससे पौधे के रूट्स बहुत ही जल्दी नए पॉट में फैल जाएंगे और बहुत ही जल्दी आपके पौधे का ग्रोथ शुरू हो जाएगा। लेकिन रूट बॉल को हमेशा साइड से ही थोड़ा थोड़ा तोड़िए, बीच से कभी भी मत तोड़िए। अब मैं अच्छी तरीके से पॉट में मिट्टी देता हूँ और मिट्टी को चारों तरफ फैला के अच्छी तरीके से प्रेशर देके मिट्टी को सेट कर देता हूँ। बारह इंच के पॉट में जब पौधा बड़ा हो जाएगा, करीब एक साल के बाद अपने पौधे को हाफ ड्राम में ट्रांसफर कर देंगे। इससे हमें अपने पौधे से बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। पौधे का रिपोर्टिंग अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम पौधे के मिट्टी में भरपूर पानी देंगे और पूरे मिट्टी को गीला कर देंगे। कोई भी पौधे का रिपोर्टिंग करने के बाद आप हमेशा मिट्टी में भरपूर पानी दीजिए और पूरे मिट्टी को गीला कर दीजिए। इससे पौधे का ग्रोथ बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा। अब हम पौधे को दो दिन के लिए शेडी जगह पर रख देंगे। उसके बाद अपने पौधे को फुल सनलाइट में शिफ्ट कर देंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पौधा काफ़ी लंबा टाइप का है, इसीलिए मैं अपने पौधे को प्रूनिंग करके एक अच्छा शेप दे देता हूँ। इससे मेरा पौधा बहुत ही जल्दी बुशी बन जाएगा। प्रूनिंग करने के बाद पौधे के कटे हुए पार्ट के ऊपर आप फंगीसाइड का एक लेयर लगा दीजिए। इसके लिए आप थोड़ा सा फंगीसाइड के साथ पानी मिला के एक पेस्ट जैसा बना लीजिए। उसके बाद उस पेस्ट को अपने पौधे के कटे हुए पार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा दीजिए। इससे पौधे के उस कटे हुए पार्ट में फंगल डिजीज नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं अनार के पौधे का केयर के बारे में। अनार के पौधे का सबसे पहला केयर है, आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर 7 से 8 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट आपके पौधे को मिले। बहुत सारे पौधे में फ्लावर्स ना आने का यही मेन रीज़न होता है कि आपके पौधे को ठीक से सनलाइट नहीं मिल पाता। इसीलिए आपके पौधे को आप हमेशा फुल सनलाइट में ग्रो कीजिए। अनार के पौधे का दूसरा इम्पॉर्टेंट केयर टिप है सही तरीके से आपके पौधे में पानी देना। एक बार पौधे के मिट्टी में भरपूर पानी देने के बाद जब तक मिट्टी का ऊपर वाला सरफेस पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता, यानी ऊपर वाला सरफेस सूख नहीं जाता, तब तक आप दोबारा पानी मत दीजिए। उसके बाद फिर से आप अच्छी तरीके से पानी देके पूरे मिट्टी को गीला कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप आपके पौधे में पानी देंगे तो आपके पौधे में पानी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इसके अलावा अनार के पौधे में कई बार फ्रूट्स फट जाते हैं। इसका जो रीज़न होता है वो होता है मिट्टी पूरी तरीके से सूखने के बाद फिर से मिट्टी में पानी देना। इसीलिए आप बहुत ही सोच समझ के आपके पौधे में पानी दीजिए और मिट्टी को कभी भी पूरी तरीके से सूखने ना दें। जब मिट्टी का ऊपर वाला हिस्सा सूखने लगे तब आप दोबारा आपके पौधे में भरपूर पानी दे दीजिए। अब हम बात करते हैं पेस्ट और फंगस कंट्रोल के बारे में। आप हर 7 दिन में एक बार आपके पौधे में नीम ऑयल और हर 15 दिन में एक बार आपके पौधे में एक अच्छा फंगीसाइड जैसे कि सांप अच्छी तरीके से स्प्रे कर दीजिए। इससे आपके पौधे में कोई भी फंगस या फिर पेस्ट का अटैक होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर के बारे में। आप हर महीने एक बार आपके अनार के पौधे में ज़रूर एक अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्प्रे कर दीजिए। अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहते हैं तो सीवीड, और अगर आप इनऑर्गेनिक यूज़ करना चाहते हैं तो एग्रोमीन मैक्स या फिर एग्रोमीन गोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र की तो आप ऑर्गेनिक मिक्स्ड फर्टिलाइज़र आपके पौधे में अप्लाई कीजिए। इससे आपको दूसरा कोई फर्टिलाइज़र आपके पौधे में अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं होगा। ऑर्गेनिक मिक्स्ड फर्टिलाइज़र किस तरीके से बनाना है और अप्लाई करना है इसके बारे में मैंने पहले ही चैनल पर वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा अनार के पौधे के लिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बोरोन। कई बार बोरोन की कमी की वजह से अनार के पौधे में अनार फट जाते हैं। इससे बचने के लिए जब आपके पौधे में अनार लगा हुआ होगा तो आप 1 चम्मच बोरोन मिट्टी के ऊपर अच्छी तरीके से छिड़क के पानी दे दीजिएगा। इससे आपके पौधे में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप 1 महीने बाद 2 बार इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। यही आज का वीडियो अनार के पौधे का केयर के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।